समय के साथ बलि राजा पाताल लोक पे शासन करने लगे और पृथ्वी लोक का शासन क्षत्रिय राजा संभालने लगे। वे सत्ता पाकर अहंकारी हो गए और निर्बल लोगों पे अत्याचार करने लगे। लोगों की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने ऋषि जमदाग्नि और उनकी पत्नी माता रेणुका के पुत्र के रूप में अवतार लिया। आज तुम्हारी शिक्षा संपन्न हुई। ये परशु मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र के रूप में भेंट करता हूं। अब तुम अजय हो। अब संसार तुम्हें परशुराम के नाम से संबोधित करेगा। शिक्षा पाने के बाद परशुराम अपने माता पिता के आश्रम में लौट आए। समय यूं ही बीत रहा था कि अचानक एक दिन कैसी चमत्कारी गाय है, घड़ी भर में सैकड़ों सैनिकों की भूख मिटा दी। इसे तो महाराज की सेवा में होना चाहिए। सच कहते हो, इसे ब्राह्मण के आश्रम में नहीं राजमहल में होना चाहिए। आपकी चरण रज से ब्राह्मण की कुटिया पवित्र हुई महाराज। ब्राह्मण देवता, आपकी कामधेनु हमें चाहिए। जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं आप उचित समझें मांग लें। महाराज, ब्राह्मण के जीवन में स्वर्ण मुद्राओं का क्या मूल्य, और फिर कामधेनु हमारी माता के समान है, माँ को बेचा नहीं जाता महाराज। तो राजा के आदेश की अमानता का परिणाम भी देख लो। सैनिकों, कामधेनु को राजमहल में ले जाओ। एक पग भी आगे बढ़ाया तो मृत्यु निश्चित है। क्या हुआ पिताश्री, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? राजा कार्तवीर अर्जुन आखेट के लिए आया था। मैंने उसका स्वागत सत्कार किया, दुग्धपान कराया, लेकिन उसकी नियत में खोट आ गई। उसके आदेश पर सैनिक कामधेनु को ले गए। आपने उन्हें जाने कैसे दिया? हम क्या करते, विवश होकर देखते रहे। किंतु मैं विवश नहीं हूँ। राजा हो या महाराजा, कुछ भी करके मैं कामधेनु को वापस लाऊंगा। राजा का वध भी करना पड़े तो भी। ब्राह्मण का धर्म युद्ध करना नहीं, धर्म और ज्ञान का प्रसार करना है। अब क्षत्रियों के अत्याचार का अंत करना भी मेरा धर्म है। क्षत्रियों के सर्वनाश का प्रण करता हूँ। कल का सूर्योदय कामधेनु इसी आश्रम में देखेगी। कहाँ है तुम्हारा दुष्ट राजा? उससे कहो चुपचाप कामधेनु लौटा दे। मैं उसका अपराध क्षमा कर दूंगा, अन्यथा उसे अपनी नीचता का फल भोगना ही होगा। क्या कहा? उस ब्राह्मण पुत्र ने मुझे ललकारने का दुस्साहस किया है। इस धृष्टता का दंड उसे मलकर ही रहेगा। परशुराम का सिर राजमहल के द्वार को शोभित करेगा। इन मूर्खों को परशुराम की अपार शक्ति का ज्ञान ही नहीं। उन्हें क्या पता कि परशुराम के पास भगवान शिव का भेंट किया हुआ ब्रह्मास्त्र है। जाओ, उसे बंदी बनाकर ले आओ। मुझसे ये खून खराबा देखा नहीं जाता, रोकिए ना इन्हें। परशुराम को रोकूं? मैं? मरना है मुझे। नारायण नारायण, तुम्हें डर लग रहा है? तुम अपनी आंखें बंद कर लो।
मुझसे इनकी चित्कार सुनी नहीं जाती। हे सुंदरी, तुम अपने कान बंद कर लो। इधर परशुराम ने प्रतिज्ञा पूरी कर कामधेनु के साथ आश्रम लौट आए, परंतु उधर महल में शोक छाया हुआ था। जब तक हम अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं ले लेते, अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। इस ब्राह्मण पुत्र को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना ही होगा। यही उचित है, प्राण के बदले प्राण, पिता के बदले पिता। नहीं, चलो। परशुराम, उन राजपुत्रों ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। उन्होंने मेरे पिता की हत्या नहीं की, अपने सर्वनाश को निमंत्रण दिया है। माताश्री, जितनी बार तूने अपनी छाती पीटी है, उतनी बार मैं क्षत्रिय वंश का नाश करूंगा, धरती को क्षत्रिय मुक्त कर दूंगा। पधारी है ऋषिवर, इस ब्राह्मण की कुटिया में आने का कैसे कष्ट किया। तुमने जो संकट उत्पन्न किया है उसका निवारण करने आया हूँ परशुराम। तुमने तो उन क्षत्रियों के मन में भी आतंक भर दिया है जो दयालु और चरित्रवान है। तुम ये भूल गए कि संसार रूपी रथ को चलाने के लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों की आवश्यकता है। इन दोनों के बिना संसार असुरक्षित है परशुराम, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। मेरे पास प्रायश्चित का एक ही उपाय है कि मैं अपना शेष जीवन त्याग और तपस्या में व्यतीत कर दूं, और आप वो भूमि स्वीकार कीजिए जो मैंने क्षत्रियों से छीनी है। यही सतमार्ग है परशुराम। आयुष्मान भव।